कष्ट समाधाने सर्वग्न मुख से बही परम शुद्ध ही ज्ञान वाणी कहीं से भी कभी भी पढ़ो देखो हितकारी ज्ञानी चरणे भावार्पण आत्यंतिक उपकारी
मैं आपको प्रश्न करता हूँ, बहुत से प्रश्न मेरे को है लेकिन समाधान ये लगता है कि यहाँ मिलेगा स्कूल है, विद्या का काम है, विद्या की संस्था है, मेरे को एक प्रश्न है तो वो प्रश्न करता हूँ, आपको जवाब देना है सही है गलत। तो मैं आपको प्रश्न करता हूँ, आपको सुख अच्छा लगता है कि दुख अच्छा लगता है? आपको तो आ गया, मेरे को ये प्रॉब्लम वाला है। दूसरा प्रश्न कहिए, सबको सुख अच्छा लगता है लेकिन इधर तपस करते हैं, बाहर तपस करते हैं, देश में तपस करते हैं, विश्व में तपस करते हैं, सुख का प्रमाण ज्यादा है कि दुख का प्रमाण ज्यादा है? दुख का प्रमाण ज्यादा है। अब सबको सुख अच्छा लगता है तो दुख का प्रमाण क्यों ज्यादा है? इसको भी आए इसको आए ऊपर हाथ करना, इस हाथ में वह नहीं बोलना है, बोलते रहने का। सबको सुख अच्छा लगता है, आपने बोला कि सुख अच्छा लगता है, तपास करते हैं कि सुख का प्रमाण ज्यादा है या दुख का प्रमाण ज्यादा है, आपने जवाब दिया दुख का प्रमाण ज्यादा है, तो दुख का प्रमाण क्यों ज्यादा है, उसका कारण क्या है? जो भी आता है पास ही है, आप अपने करेंगे, आपको जो भी आता है वो बोल लेना, जोर से बोल थोड़ा आवाज आगे जाए, हमें दुख छोटी सी छोटी गलती में भी होता है, छोटी सी छोटी गलती में से दुख होता है, कोई दुख नहीं देता है अपनी गलती से, अपनी गलती से, अपनी गलती से। कौन सी गलती है आपकी लाइफ में जो होती है? मेरा व्यवहार सुधारना है, मेरी दृष्टि सुधारनी है,
लिमिट नहीं है, लिमिट है, लेकिन दुख कौन देता है? आपकी दृष्टि देती है, व्यक्ति नहीं देती। अब ये बात समझ में आ गया तो एक बहुत बड़ा संस्कार है, और दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाहर दिखेगा आपको दुख, लेकिन वो आपको स्पर्श नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, समझ गया नहीं, लेकिन आपके पास एसी चालू है तो कितनी आपको गर्मी लगेगी? बाहर का गर्मी आपको स्पर्श नहीं करेगा, समझ गया नहीं। ऐसी दृष्टि है जो ये क्या है, एसी जैसी है, बाहर तो जो व्यवहार होगा वही होगा, पूरा करेगा ये करेगा, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर बाहर ठंडी है, लेकिन आपके पास हीटर है, गर्म कपड़ा है, तो ठंडी आपको कितना तंग करेगी? मैं नहीं बोल रहा, अंदर गर्मी लगेगी, बाहर बारिश है, लेकिन आपके पास रेनकोट है, छाता है, बारिश कितना हीटर करेगा? तो ये दृष्टि क्या है, पूरा जीवन को आपका रक्षण करता है। तो ये गलत दृष्टि है, उससे आपको दुख होता है, सामने वाला आपको दुख नहीं देता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी सुख बाहर ढूंढने का भीतर है ही, सुख आपको चाहिए तो बाहर ढूंढने का भीतर है, लेकिन भीतर कहाँ है? अंदर है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अपनी दृष्टि सही करनी है, वहां दुख है, यही बात समझ में आया नहीं? और अपनी दृष्टि गलत है तो भीतर से दुख आता है, बाहर दुख नहीं देता है। और ये दृष्टि सही हो गई तो आप दुनिया भर में घूमेंगे तो कहीं भी आपको दुख मिलेगा। इसको संस्कार बोला जाता है, और ये संस्कार कहीं भी जाओ तो आपको हेल्प करेगा, कहीं भी आपको दिक्कत आएगी। देखा, समझ में आया कि नहीं आया? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? और कोई ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कही तो बात, क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया?
बनने लगी क्योंकि आपको सुख अच्छा लगता है दुख अच्छा लगता है। हाँ, तो जीवन का महत्व सुख प्राप्त करना है, इसको छोटे से छोटे घटाते समझना है। वो चिट्ठिया देखिए कि नहीं देखी है? हाँ। तो आप चिट्ठियों को पकड़ने जाएंगे तो वो पकड़ जाएगी कि भाग जाएगी? तो क्या सूचित करता है कि उसको सुख अच्छा लगता है, और पकड़ेंगे तो बंधन में आएगा ना दुख को। तो आपको नहीं जी मात्र को सुख चाहिए। हाँ। तो ये जीवन का हेतु क्या हुआ? सुख। समझ गए? फिर इसमें सुख में दो प्रकार है, एक टेम्पररी सुख है और एक परमानेंट सुख है। तो आपको टेम्पररी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए? परमानेंट सुख चाहिए। परमानेंट यानी क्या? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए, कभी जावे नहीं। अभी कभी जावे नहीं तो ये कैसे प्राप्त होगा? झूठ बोलेंगे तो प्राप्त होगा? नहीं। चोरी करेंगे तो प्राप्त होगा? नहीं। इसका इसको दुख देंगे तो प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो सनातन सुख चाहिए तो झूठ बोलना चाहिए? नहीं। किसी को दुख देना चाहिए? नहीं। तो ये अपने आप नहीं हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो फिर सुख आएगा क्या? चला जाएगा? चला ही जाएगा। देखिए कायम का सुख चाहिए तो प्रिंसिपल है, अपने मन और अपने काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र को दुख ना हो ना हो ना हो, पहले भाव करना है। भाव यानी पूछा, और जैसे ही आपने ये बोला तो ये ब्रह्मांड में एक जाएगा, ब्रह्मांड में जाएगा, उसका दृष्टम से समझना है। एक वाव है, कुआ है, वाव जाके आप बोले कि आप चोर है तो वहां प्रतिध्वनि क्या आएगा? राजा आएगा कि चोर आएगा? चोर आएगा। तो सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर बोले कि आप राजा है, वो सुनने में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? समझ गए ना? तो ये व्यवहार क्या सूचित करता है? हमें हमेशा अच्छा हो जाता है, यानी आपको सुख चाहिए तो जगत को सुख दे दिखता है, यानी एक जगत दिखता है वो वाव है, कुआ है, जो देंगे वही वापिस आएगा। तो आप दुख बोलेंगे तो उसका परिणाम आपका दुख आएगा। आप किसी को दुख देंगे तो उसका परिणाम आपका दुख आएगा। तो अभी आपको क्या करने का है? सुख चाहिए तो सबको सुख बांटना है और लेना भी है। हाँ, सबको सुख बांटेंगे तो आपको सड़ना नहीं पड़ेगा, वो सुख आपको देंगे उस हिसाब से आपको सुख मिलेगा। यानी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना में कहता है मेरे को सुख दो। तो सुख देना और दुख देना आप है और कोई नहीं। हाँ, आपको अपने पर विश्वास नहीं है उस हिसाब से मंदिर पे जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे दुख है सब दूर कर दो। दुख किस हिसाब से आए? हमने बुरे काम किए इसलिए दुख आए। समझ गए? तो बुरे काम बंद हो जाएगा तो सुख आए, तो वो भगवान देता है कि आप अपने आप देते हैं सुख आपको? अपने आप। समझ गए? तो आप भगवान के पास जाएंगे मांगेंगे तो ये तो याचक हुआ, यानी भिखारी होते हैं, और आपने दुख देना बंद कर दिया करना पड़ेगा।
करने के लिए हम किसी को दुख न पहुंचाए।
भगवान जो है, पहले तो हम भगवान किसको कहते हैं वो समझने का है। आपके भीतर भगवान है, सभी जीव में है, जीवा में है, नहीं पता तू क्या कहते हैं, हो सकते हैं। अरे आपको लगता है कि हो सकते हैं, सब ऐसा बोलते हैं कि सब जगह पर भगवान है, ऐसा सुना है ना आपको कि सब जगह है, कम कम में भगवान है, ऐसा सुना है? तो क्या आज तक हम ऐसा सुनते आए हैं? लेकिन ये दादा भगवान का अपना विज्ञान है और विज्ञान में सब बात साइंटिफिक होती है। कैसी होती है? साइंटिफिक। तो आज मैं वो साइंटिफिक बात बताऊंगा। हमने जो सुना है वो सिर्फ सुना है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ आज हम देंगे। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सब जगह पर भगवान है, अगर सब जगह पर भगवान है तो टॉयलेट कहाँ जाने का? कहा जाएंगे सब जगह पर है तो? उसके लिए विवेक है। क्या है? भगवान कहाँ है? क्योंकि जहां कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फीलिंग्स व्यक्त होती है, फीलिंग्स उसको सुख होता है, दुख होता है, थकान लगती है, फीलिंग्स जहां पर भी है उसमें भगवान है। ये दीवार में फीलिंग्स है, तेरे को बोल रहा है? नहीं नहीं है, है? हाँ। है दीवार में भी है। दीवार को हम लात मारेंगे तो कुछ करेंगी? नहीं करेंगी। और आपको एक लात लगा देंगे तो रिएक्शन आएगा? क्योंकि आप जीवित है, भीतर भगवान है। भगवान है तो किसी न किसी प्रकार की फीलिंग्स यानी कि लागी जो बोलते हैं ना, जहां पर लागी है किसी भी प्रकार से वहां भगवान है। जैसे चिट्ठी का एग्जाम्पल दिया, तो चिट्ठी को हम छूते हैं तो वो भागती है। क्यों भागती है? भय लगता है उसको। अगर कुछ मीठा जाते हैं तो वो बात कर आती है, क्या बुला जाते हैं तो उसको सुगंध आ जाती है। तो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, थकान होता है, हंसते हैं, रोते हैं, कुछ किसी भी प्रकार की रिलीज है तो उसमें भगवान है। बराबर दीवार में है रिलीज किसी भी प्रकार की, बराबर सोच कर दिखाओ। नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? हाँ वो भी सब पहले हो सिर्फी को चल सकते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। तो नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग में कभी भी भगवान नहीं होते। भगवान यानी अभी हम समझे आत्मा, क्या बोलते हैं? आत्मा। हर एक जीव में आत्मा है, तो नॉन लिविंग में आत्मा नहीं है। तो आत्मा नहीं है उसमें, उसमें भगवान नहीं है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देती है। और जिसमें भगवान है वो रिएक्शन उसका आता ही है अपने आप। जैसे हम कोई अच्छी बात करें उसको आप हंसेंगे, अगर आपको डांटते हैं तो मूड बिगड़ जाता है, रुक जाएंगे। तो ये दादा भगवान ने सिद्धांत बताया कि जहां किसी भी प्रकार की
इसमें है ड्रीम? नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं तो पहला सिद्धांत क्या बताया कि जहां किसी भी प्रकार की फीलिंग्स व्यक्त होती है वहां भगवान है। हाँ तो अगर पेड़ पौधे लिविंग भी है सब बोलते हैं पर वो हमें हम खुद में मारते हैं तो वो रिएक्शन क्यों नहीं देते? हाँ तो ये रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं? देखो वो एक इंद्रिय जीव है वो चल नहीं सकते लेकिन आप उसको पानी पिलाएंगे तो वो कुछ हो जाएंगे, म्यूजिक सुनाएंगे तो भी कुछ हो जाएंगे, आप उसको फंसाएंगे तो भी उसको आनंद होता है। लेकिन उसका कर्म का भगवता ऐसा है कि वो अपनी जगह पर से खिसक नहीं सकता है और अपना फल खुद नहीं खा सकता है, खा सकता है और दूसरे लोग उसको मार मार के भी ले जाएंगे। रुख से वो फल देते ऐसा बोलते बोलते हैं लेकिन वो देता नहीं है, सब ले जाते कि अपने हाथ से देता है।
आपकी जो सदबुद्धि है, आपका जो दास भाव है, आपकी जो वीरता है, आपका जो धर्मचर्य है, वो मुझे प्राप्त है। तो वो मूर्ति रखेंगे तभी उसके गुण क्या है वो पता चलेगा। रामचंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं तो आप कैसे प्रेम स्वरूप है, आपने सबको प्रेम ही दिया है, किसी के ऊपर भी उन्होंने आरोप नहीं किया है। ये कहते हैं भरत को राज्य दिया और राम को 14 वर्ष वनवास, फिर भी कैसे के प्रति उनका भाव नहीं बदला है, वही भी नहीं संजू दिखा नहीं सकते। रामचंद्र भगवान का जो प्रेम स्वरूप है, उसका जो प्रेम प्रकट हुआ, वो प्रेम जो आज उसकी विकराता है, उसकी विकराता और समर्पण और त्याग बलिदान, वो सब उनके व्यवहार के गुण है। सब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सब सुन रहे हैं? भगवान के पास से मांगे। जो भी भगवान की मूर्ति है तो उसके पास से उनके जो गुण है, उन्होंने जो व्यवहार किया है, उसका जो जीवन है, वो हमको मांगने का है, इसलिए मूर्ति रखते हैं। समझे? जैसे कि अभी आप जय खड़ा है और उसके पेट पर चीटी चल जाए तो वो क्या करेगा? ऐसा ऐसा करेगा, उसको उतारने के लिए प्रयत्न करेगा या नहीं करेगा? वो भगवान की मूर्ति पर चीटी मंगोले सब घूमते हैं, देखा है आपने? देखा है? हाँ। देखा है तो वो ऐसे करके उतार देते हैं। पहले आता है मंगोला तो खड़े हो जाते हैं, अगर वो जीवित है, जीवित है जल के जैसा, तो वो ऐसा ऐसा करेंगे, वो ऐसा करके उतार देंगे। समझे? जब हम जीवित होते हैं इसका मतलब क्या है कि उसमें सभी प्रकार की फीलिंग्स होनी चाहिए। जो लोग होते हैं उनके गहने भी उतार देने जाते हैं तो भी वो कुछ नहीं करते, करते हैं नहीं, नहीं करते। अगर वो जीवित होते तो और आपको उतार के सो जाते, फिर सुबह में पहन लेते। तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसको भगवान ही हम मानते हैं, लेकिन अंदर से एग्जैक्ट समझने का है। जय समझे? अंदर से एग्जैक्ट समझने का है, वो हमारी आस्था है, वो हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा साइंस है। मूर्ति पूजा वो बहुत ही बड़ा साइंस है, लेकिन समझने का है कि वो मूर्ति है भगवान की। भगवान अलग है, भगवान जैसे आपकी जीवित मूर्ति है और आपके अंदर तो भगवान है, आत्मस्वरूप भगवान है, सब जीवित मूर्ति है। तो ये जो सिद्धांत बताया कि भगवान कहाँ है, क्या सिद्धांत वो बताए बोलो आप। पहला सिद्धांत क्या बताया? सिद्धांत क्या बताया? जहाँ कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की फीलिंग्स व्यक्त होती है तो उसमें भगवान है। जैसे हम मूंग है, मूंग खाते हैं, वो उसको रात को भिगो देते हैं तो सुबह में कोई फर्क होता है उसमें, क्या होता है? अंकुरित होते हैं।
हमको भी बोलते हैं पर्दा फूटते हैं, क्या होता है हमको भी होता है, तो वो जीवित है। जब हम बिगोते हुए तब कैसा था और सुबह में जब हमने देखा तो कैसा हो गया, तो वो फीलिंग्स रहती हुई। हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, थकान लगती है, नींद आती है, हंसते हैं, रोते हैं, रुक जाते हैं, मनाते हैं, मनवान करते हैं, सब होता है। तो ये सब फीलिंग्स है। तो जिस चीज को फीलिंग्स है उसमें भगवान है, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या बताया? सिद्धांत क्या बताया? दूसरा सिद्धांत आप फिर से क्या बताया? जैसे ये पहला सिद्धांत बताया, दूसरा सिद्धांत हमने क्या बताया? मूर्ति जो रहती है नहीं, वो सिद्धांत सिद्धांत क्या है? तो इंसान ने जो चीज बनाई है उसमें भगवान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। आप देखो मोबाइल, मोबाइल में है भगवान? मैच सिस्टम में, रोबोट में बोलता है, चिंता चिंता है, तो भी भगवान है। तो इंसान ने जो जो चीज बनाई उसमें भगवान नहीं है। तो मूर्ति का भी हमने जिक्र किया, मूर्ति है वो भगवान का प्रतीक है, वो खुद भगवान नहीं है। समझे? किसी को डाउट इसमें? हाँ सर, हमने बोलते अगर हमारी मन में श्रद्धा हो भगवान के लिए, उसकी प्रेम भाव हो, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हाँ या ना? तो अभी केरला में जो बाढ़ आई थी तो क्या उनके मन में श्रद्धा नहीं थी? क्योंकि श्रद्धा जिसको होती है वो तीन दिन अपनी छत पर है फिर भी बचाने वाले नहीं जा रहे। श्रद्धा है तभी तो लश्कर वाले पहुंच जाते हैं बचाने के लिए। कोई पानी में दे रहा है, पानी में गाड़ी के साथ खींचा जा रहा है, तो भी उसको बचाने वाले तो ये उसका श्रद्धा का परिणाम। हमको ऐसा लगता है कि आपने भगवान की तरह आप हमारी मदद, क्योंकि सबसे मन में भगवान है, अगर हम किसी को बचाते हैं तो उन्हें लगता है भगवान स्वरूप आप हमें बचाते हैं। बराबर। तो इसीलिए देवी सारंग ने सिद्धांत बताया कि आप किसी को सुख देंगे तो परिणाम स्वरूप आपको सुख मिलेगा, और आप किसी को दुख देंगे तो परिणाम स्वरूप दुख मिलेगा। जैसे कि आज जयता बर्थडे है मान लो, तो उसने ऐसा तय किया तो मैं अपने क्लास में सबको कैडबरी चॉकलेट दूंगा। वो रात को उन्होंने तय कर लिया कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं कल जाके सब स्टूडेंट को एक एक कैडबरी चॉकलेट दूंगा। तो जैसे उन्होंने देने का भाव किया तभी से उसको सुख होगा कि नहीं होगा? होगा, आनंद आनंद हो जाएगा। अभी दिया नहीं है लेकिन सिर्फ भाव किया कि मैं कल सबको जाकर चॉकलेट दूंगा मेरे बर्थडे के लिए, तो ये अच्छे भाव है, किसी को सुख देने का भाव है। तो जब भी आपको किसी को सुख देने का भाव करते हैं, सोचते हैं, तो सबसे पहला सुख आपको होता है। समझे? जैसे ये कैडबरी चॉकलेट का, हाँ बोल, अगर हम चॉकलेट देंगे तो वो हमें गिफ्ट देंगे हमारे बेटे? नहीं, पहले तो वो तो दूसरी अलग बात है, लेकिन सुख कैसे आता है? सिर्फ चॉकलेट देने से ही सुख आता है ऐसा नहीं है। वो कोई बात नहीं, उनको दे दो।
किसी को देने की कामना हुई, मैं मेरे सारे क्लासमेट को चॉकलेट दूंगा, तो देने का भाव है। तो जैसा आपने भाव किया, तय किया, तब से आपको आनंद आने शुरू हो जाएगा। देखिए तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आनंद और व्यक्त होगा, लेकिन सिर्फ भाव करने से भी सुख होता है। आइए की गलती की वजह से वो उल्टा दिखता है,
दृष्टि की गलती थी, लेकिन जब हमारी दृष्टि सही होती है तो अपने आप सब दिखता है, समझे? हाँ सर, एनिमल बोल क्यों नहीं पाते? बोल क्यों नहीं पाते? वो बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। आप मारो में उसको उस देखो जो आपके दिल में खत्म हो गए, मान लो के आपने कुत्ते को लड़ा तो वो क्या बोलेगा? वो उनकी आवाज बोलेगा जो बोला ना उसको जो बोला वो वेरी
जैसे कि आपको चश्मा है तो सबको चश्मा है, तो आपने भगवान तो भगवान ने आपको चश्मा क्यों दिया? देखने के लिए। तो उन लोगों को क्यों नहीं दिया? तो आपको बिना चश्मा दिया। तो चश्मा बिना देखना वो अच्छा है, चश्मे के साथ देखना वो अच्छा है, दोनों है, दोनों अच्छे हैं। लेकिन आपने चश्मा निकाल रहे हो तो तकलीफ होगी। तो दृष्टि ठीक है इसके लिए चश्मा पहनना पड़ता है। तो बिना चश्मा आपको दुख लगेगा या अच्छा लगेगा? चश्मा नहीं पहनोगे तो बुरा लगेगा, कुछ अच्छी तरह सिखाई नहीं देगा। तो अगर चश्मा निकाल दिया तो आपको दुख दुख लगेगा, अच्छा दिखाई नहीं देगा, कौन है कौन नहीं है। तो बिना चश्मा आपको दुख है, लेकिन उसको बिना चश्मे पे सुख है, वो सब देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो भगवान ने आपको चश्मा दिया, उनको चश्मा नहीं दिया, ऐसा बोल सकते हैं? तो वो भगवान देने वाले नहीं, हमारा ही कर्म का फल हमको मिलता है, समझे? भगवान देते हैं वो तो हमारी व्यवहार भाषा है, क्या है? व्यवहार भाषा है, समझ में आया? हाँ। सिद्धांत बताऊं, ओके?
जगत की
अच्छे बुरे भाव होते हैं, तो अच्छे भाव हैं, बुरे भाव हैं, इसकी वजह से कर्म बनेगा। और कर्म पोषण के रूप में है, कारण शरीर के रूप में है, जैसा वो गुजर जाएगा ये सूर शरीर टूटेगा, तो कारण शरीर के हिसाब से उसको दूसरा सूर शरीर मिल जाता है। समझे, ये कर्म का सिद्धांत है, उसको जो हुआ आपको परेशान किया है तो वो परेशान करेंगे, किसी ने आपको दुख दिया, सुख दिया है, मदद की है तो वो मदद की है। तो हमारी जो भाव है, दुख देने का भाव है, तो तुरंत पहले आपको दुख होगा, मैं उसको लाश में डालूंगा ऐसा डालूंगा तो उसको पता चल जाए, वो गर्व कर रहेगा आप सोचते हो, लेकिन उसको सुनने जाके ऐसा राहत थी, उसका ऐसा राहत थी कि उसको तो घर से ही आपको उपद्रव शुरू हो जाएगा, आपकी कमर भी चली जाएगी। समझे भाई, जय सच्चिदानंद। हमारे बहुत दो नपाटा का
किसी को आना है तो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।